एशिया कप के लिए भारत ने अपना स्क्वाड उतारा, और साथ ही साथ देखिए काफी चर्चा हुई कि यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने सही सिलेक्शन नहीं किया है। इसी पर देखिए बड़े बड़े खिलाड़ी, क्रिकेट दिग्गज, यहाँ तक कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी काफी सवाल उठाए हैं बीसीसीआई के सिलेक्टर्स पर। और साथ ही साथ इसके बचाव में अब आ गए हैं एक और दिग्गज खिलाड़ी। जी हाँ, वो सवाल तो नहीं उठा रहे हैं बल्कि उन लोगों से नाराजगी दिखा रहे हैं जिन्होंने बीसीसीआई सिलेक्टर्स पर सवाल उठाए। आखिर कौन है वो खिलाड़ी जो बीसीसीआई के बचाव में आया, हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, वो खिलाड़ी कोई और नहीं, यहाँ पे सुनील गावस्कर जी हैं, जिन्होंने यहाँ पे नाराजगी दिखाई है उन लोगों से जो बीसीसीआई की सिलेक्शन टीम पर यहाँ पे खामियां ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए भैया, यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि उनके साथ अन्याय हुआ है। साथ साथ उन्होंने तो ये तक कह दिया कि यही खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी उतारना चाहिए। जी हम आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के लिए भी 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड जाना है। और यहाँ पे देखिए, और ये बहुत बड़ी बात है, और एक तरीके से उन्होंने बयान के थ्रू ये कहा, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। तो चलिए एक बार उनके स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। हाँ, कुछ खिलाड़ी हैं जो मानेंगे कि वे भाग्यशाली हैं, लेकिन टीम का चयन कर लिया गया है, इसलिए अश्विन के बारे में बात ना करें, विवाद पैदा करने से बचो, ये हमारी टीम है, अगर आपको ये टीम पसंद नहीं तो मैच नहीं देखना। लेकिन ये कहना बंद करो कि उसे टीम में होना चाहिए था या उसका चयन किया जाना चाहिए था, ये गलत मानसिकता है। निश्चित तौर पे ये टीम विश्व कप जीत सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई खिलाड़ी ये दावा कर सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे ये कह दिया कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उनके डिसीजन, मतलब बीसीसीआई के सिलेक्टर्स के डिसीजन पे सवाल उठा सके, जिनको मौके मिले हैं, जिनको मौके नहीं मिले हैं। यहाँ पे देखिए, जो सवाल उठाए जा रहे थे वो इसलिए उठाए जा रहे थे कि यहाँ पे तिलक वर्मा, जो कि अभी तक उन्होंने ओडीआई में डेब्यू नहीं किया है और उनको सीधा एशिया कप खिलाने को दिया है, तो इस पर एक सवाल उठाया जा रहा था। साथ साथ यहाँ पे केएल राहुल की फिटनेस पर सवाल उठाया जा रहा था कि अगर वो फिट नहीं है, जैसा कि सिलेक्टर ने कहा कि उनको कोई इंजरी है और दो मैच बाद ज्वाइन करेंगे, पर फिर भी उनको स्क्वाड में रखा गया है। और साथ साथ यहां पे संजू सैमसन को एज अ बैकअप के लिए यहां पे रखा गया है, एज अ बैकअप विकेट कीपर के लिए रखा गया है। इसका यह मतलब है कि जब केएल राहुल खेलने लग जाएंगे तो उन्हें वापस हटा दिया जाएगा, उन्हें स्क्वाड में भी नहीं रखा जाएगा। पर लेकिन यहां पे देखिए, इस नाराजगी ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया था। काफी दिग्गज खिलाड़ी, यहां तक कि देखिए बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी श्रीकांत जैसे, उन्होंने भी यहां पे काफी सवाल उठाए थे। बाकी आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन सही है बीसीसीआई का? क्या ये खिलाड़ी हमें विश्व कप और एशिया कप जिता सकते हैं? अगर कमेंट हाँ है आपका तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और देखते रहें तूफान स्पोर्ट्स।